हेलो फ्रेंड, देसी किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं बेसन की नान खटाई। बेसन की नान खटाई ओवन में बनाई जाती है और बेसन की नान खटाई बहुत ही अच्छी बनती है, लेकिन आज हम बेसन की नान खटाई ओवन में नहीं लेकिन गैस पे बनाएंगे। गैस पर नान खटाई बिल्कुल ही ओवन जैसी ही बनती है। तो आइए फ्रेंड, बेसन की नान खटाई बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक कप जितना बेसन लेंगे, ग्राम से हिसाब से 125 ग्राम जितना है, जिसको मैंने छान लिया है। एक कप जितनी चीनी लेंगे, जिसका मैंने पाउडर कर लिया है, ये भी ग्राम के हिसाब से 125 ग्राम जितनी है। आधी छोटी चम्मच मैंने बेकिंग पाउडर लिया है, वो इसमें हम डालेंगे और सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बेसन और चीनी हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे इलायची पाउडर और फिर से थोड़ा मिक्स कर लेंगे। ये हमने एक कटोरी जितना ही लिया है, ये भी हमने 125 ग्राम जितना ही लिया है। इसका मतलब चीनी, घी और बेसन तीनों का माप एक जैसा ही रखना है। घी हम थोड़ा थोड़ा डाल के डो तैयार करेंगे। घी हम थोड़ा थोड़ा डाल के ही डो तैयार करेंगे। डो हमें ऐसा बनाना है कि ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा हार्ड भी नहीं होना चाहिए। डो हमारा अच्छी तरह से रेडी हो गया है। अब हम एक प्लेट लेंगे और इसको थोड़ा घी की मदद से चिकना कर लेंगे। ये हमने एक बर्तन लिया है, जिसमें हम नान खटाई को बेक करेंगे, जिसका तला थोड़ा भारी हो, इस टाइप का बर्तन हमें लेना है और बीच में से हमें एक स्टैंड रख देना है और हमने अंदर नमक या रेत कुछ भी डाल सकते हो बेक करने के लिए। और हमने इसको पहले से गर्म कर लिया है, इसको हम थोड़ी देर ढक देते हैं और हम नान खटाई रेडी कर लेते हैं। डो में से हम थोड़ा डो उठा के थोड़ा मसल लेंगे। लुआ बनाएंगे और बीच में से थोड़ा प्रेस करके इस टाइप की नान खटाई बना के रेडी करेंगे और प्लेट में रख देंगे। इसी तरह हम सारी नान खटाई बना के रेडी करेंगे। इसी तरह हमने सारे नान खटाई बना के रेडी कर लिए। अब हम ऊपर से बीच में एक एक करके काजू लगाएंगे। आप काजू की जगह पिस्ता भी लगा सकते हो। अब हमने सारे नान खटाई में अच्छे से काजू लगा दिए हैं और हमारा रेत भी अच्छी तरह से गर्म हो गई है, तो फ्लेम को हम एकदम धीमा कर लेंगे और नान खटाई को हम इसके अंदर सेकने के लिए रख देंगे और इसको ढक के हम
15 मिनट तक एकदम ही धीमी फ्लेम पे पकाएंगे। 15 मिनट हो गई है और गैस को ऑफ कर लेते हैं। एक बार चेक कर लेते हैं कि नान खटाई अच्छी तरह से बेक हुई है या नहीं। हमारी नान खटाई अच्छी तरह से बेक होके रेडी हो गई है। इसको हम बाहर निकाल लेंगे। और हम इसको थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ठंडा होने के बाद हम इसको दूसरी प्लेट में निकाल लेंगे। इसको दूसरी प्लेट में निकाल लिया है। देखने में बहुत ही सुंदर लग रही है और खाने में बहुत ही टेस्टी है। आप अपने घर पे बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाले मेरे हर एक वीडियो को आप सबसे पहले देख सको। थैंक यू फ्रेंड्स।